प्रेमीजनों, श्री रामचरितमानस की यह 8 चौपाइयां आप अपने घर में भाव और श्रद्धा से नित्य पढ़िए, नित्य इसका पाठ कीजिए। आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। पूज्य संतों से सुना है कि परम पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि रामचरितमानस की इन 8 चौपाइयों का जिस परिवार में नित्य पाठ होता है उस परिवार में अमीरी कितनी आएगी यह तो नहीं कह सकते, पर उस परिवार में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी। यह 8 चौपाइयां रामचरितमानस के श्री अयोध्या कांड के शुरू में ही हैं। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इसके बाद जो शुरू होती हैं चौपाइयां, जबते राम ब्याह घर आए, यहां से लेकर के राम रूप गुण सील स्वभाव यहां तक। नमस्कार दोस्तों, आइए इस विधि विधान न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों से जो संपर्क होता है उस संपर्क के तहत आज एक अपन नए विषय के बारे में, जो कि इस समय हमारे देश प्रदेश और शहर मोहल्ले परिवार को जिस बीमारी ने तोड़कर रख दिया है, उससे जो आर्थिक हानि हो रही है हुई है, उसके लिए उसकी पूर्ति के लिए अपने को अपने ही स्थान, अपने मोहल्ले पर, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने ही छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर वस्तुओं को आवश्यक नित्य प्रति जो परिवार में आवश्यक वस्तु होती हैं उनका उत्पाद कर अपन लोकल में ही उस चीज से अपन आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो सकते हैं, अपना परिवार भी होगा, शहर भी होगा, प्रदेश भी होगा और देश भी होगा। इसीलिए आर्थिकता के लिए, समृद्धि के लिए हम आपको एक अध्यात्म से अपने सनातन धर्म के हिसाब से उपाय बताते हैं। पहला तो एक ये कि सबसे पहले रामचरितमानस, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अपने भारत देश में हर घर में मौजूद है और रहती है, उसमें आपको रामचरितमानस में अयोध्या कांड की प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यसे जो दायक फल चार, इस दोहे से लेकर 8वीं चौपाई तक आपको नित्य प्रति सुबह और शाम इसका पाठ करना है। और इस पाठ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके परिवार में अमीरी कितनी आएगी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उस घर में ये गारंटी है कि उस घर में कभी गरीबी रहेगी नहीं। इसलिए ये अयोध्या कांड की 8 चौपाइयों का नित्य प्रति पाठ करना बहुत आवश्यक है, जिससे इस वर्तमान समय में अपने को जो आर्थिक हानि हुई है, हो रही है घर परिवार में, उससे अपने को संबल मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और सुख शांति भी मिलेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी लोगों से निवेदन है कि अयोध्या कांड की इन 8 चौपाइयों का सुबह शाम पाठ, नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से ही, और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश के एक बहुत ही सिद्ध संत जो कि डोंगरे महाराज जी के नाम से विख्यात हैं, उनके कहे अनुसार यह कार्य मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, सिर्फ इतना है कि यह बात यदि आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम तो अब इस विधि विधान न्यूज चैनल के माध्यम से जान लीजिएगा और इसको आप करिएगा। निश्चित रूप से अमीरी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीबी उस घर में नहीं रहेगी,
नहीं रहेगी नहीं रहेगी, ये मेरी बात 100% सही समझिए आप लोग। और दूसरा उपाय अब ये है कि एक वनस्पति के संबंध में बता देना चाहता हूं कि निर्गुण निर्गुण नाम का एक पौधा होता है, जो कि उसमें ईश्वर प्रदत्त जिसको गॉड गिफ्ट बोलते हैं वह पावर रहती है। उसको आप शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि में शुभ समय में घर लेकर आइएगा। उसकी पंचांग, पंचांग का मतलब होता है जड़ पत्ती फूल फल इत्यादि, ये पांच अंग, या उसकी जड़ को ही आप लेकर आए शुभ मुहूर्त शुभ तिथि में आमंत्रित देकर। जिस प्रकार से हम शादी विवाह में आमंत्रण भेजते हैं पीले चावल हल्दी के कर, वैसे ही आपको हल्दी के पीले चावल लेकर उस वृक्ष तक जाना पड़ेगा, उसको आमंत्रित करेंगे कि हे वृक्षराज हे वनस्पति दिव्य वनस्पति, हम आपको हमारे इस कार्य के लिए घर ले जा रहे हैं जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि हो निरंतर बढ़े, ये कहकर उनको पीले चावल डालकर निमंत्रण करिए। और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में जाकर वह बिगर लोहे की टच किए हुए उसकी जड़ पत्ते फूल जो भी आपको प्राप्त हो वो लेकर आए, और एक पीले कपड़े में कुछ सरसों के दानों के साथ उस जड़ को रखें और धूप दीप देकर आप अपने पूजन स्थल पर अपने जहां पर धन संबंधी आप जो स्थान है वहां पर रखें। आप देखेंगे निश्चित रूप से ये प्रतिदिन आपको धन उपार्जन का माध्यम भी खोलेगा और इससे धन उपार्जन के रास्ते खुलेंगे, आपके घर में समृद्धि आएगी। ये आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।